प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड. सिर्फ हार्ट ही नहीं और बहुत सारे ऐसे और टिश्यूज और फ्लूइड्स हैं हमारे हार्ट में या सर्कुलेटरी सिस्टम में या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो इस हमारे मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, जस्ट लाइक ब्लड. और यही नहीं, हमारे जो सिस्टम है, जो हमारा हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है, उसकी सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है. और वो क्यों कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है कि ह्यूमन हार्ट एंड सर्कुलेशन इज अ वेरी एफिशिएंट वन, तो आज हम पढ़ेंगे वो. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एसपीएस वर्सिटी. आई एम मिशा विद यू अगेन बैक विद द यूट्यूब सीरीज विद द सर्कुलेशन चैप्टर. तो पिछली सीरीज में हमने किया था कि हार्ट और ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, ह्यूमन हार्ट की वर्किंग कैसे होती है, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड की सर्कुलेशन हमारी बॉडी में किस तरीके से हो रही है. आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे कि क्यों हमारी ह्यूमन बॉडी की जो ब्लड में जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसको डबल ब्लड सर्कुलेशन बोला जाता है. ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू दैट. तो जो हमारी जो ह्यूमन बॉडीज हैं, सबसे पहले तो जब एक कंप्लीट हार्ट बीट होती है उसको बोला जाता है कार्डियक साइकिल. फॉर एग्जांपल, ऑरिकल राइट लेफ्ट ऑरिकल में से लेफ्ट वेंट्रिकल में से ब्लड एओर्टा में जाता है, राइट ऑरिकल में से राइट वेंट्रिकल से होते हुए ब्लड हमारे लंग्स तक जाता है. जब ये पूरी प्रोसेस हार्ट में हो जाती है उस प्रोसेस को हम एक बोलते हैं वन कार्डियक साइकिल. That is known as one cardiac cycle, कि हमारा एक cardiac cycle पूरा हो गया है. ठीक है, तब हम बोलते हैं हमारा एक cardiac cycle क्या हो गया है, complete हो गया है. और वो तब कब होगा, जब सभी chambers एक बारी contract और relax हो चुके. ठीक है, when the heart contracts and relax once, it is called one cardiac cycle. It is called one cardiac cycle. और उसी दौरान जो ये लप डप साउंड या धक धक साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो हो जाती है. तो ऑलवेज रिमेंबर, एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट कब होता है, जब दोनों ऑरिकल्स और दोनों वेंट्रिकल्स एक एक बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो चुके हैं, दैट इज वन कार्डियक साइकिल. उसके बाद आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो है वो है कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है. अब एक चीज हमेशा याद रखो कि जो ह्यूमंस है ना, उनमें जो चैम्बर्स होते हैं, ऑरिकल्स, राइट ऑरिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स, ये अलग अलग होते हैं, दे आर डिवाइडेड बाय अ सेप्टम. और जो ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड और ऑक्सीडेटेड ब्लड को कभी भी मिक्स नहीं होने देते. वही एक चीज है जो हमारे ह्यूमंस की, या फिर जिनमें फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, कुछ रेप्टाइल्स जैसे क्रोकोडाइल, उनकी क्या है, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा देती है. हम इजीली एफिशिएंटली अपना वर्क अच्छे से कर सकते हैं. Right? So double circulation in human heart, in this blood passes twice through the heart. Double circulation क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें हमारे heart में से जो खून है वो दो बारी pass करता है. One is deoxygenated and another is oxygenated blood. ठीक है, so in this human heart, blood passes through the heart twice in one cardiac cycle. This type of circulation is called double circulation. It enhances or ensures the complete separation of oxygenated and deoxygenated blood. जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहेंगे तब क्या इजी हो जाएगा, हमारे लिए सारी प्रोसेस इजी हो जाएगी, क्योंकि तब हम सेपरेशन हमारी ऑक्सीजन और CO2 की सेग्रीगेशन इजी रहेगी, हम ब्लड को अच्छा खून पहुंचा सकेंगे और हमारी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा डेवलप हो सके. ठीक है, सो इट इंश्योर्स कंप्लीट सेग्रीगेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज नेसेसरी फॉर ऑप्टिमम एनर्जी. जो किसके लिए जरूरी है, कि हमारी बॉडी को एक ऑप्टिमम एनर्जी मिले एंड प्रोडक्शन इन वार्म ब्लड. एंड हम क्या हैं, हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं. वी ह्यूमन बींग्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. सो दिस डबल सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड मोर एंड मोर एनर्जी. हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए टू मेंटेन आर टेम्परेचर टू बी वार्म ब्लडेड एनिमल्स. ठीक है, सो ये कब होगा, जब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहे. अगर आप डायग्राम देखो तो ये जो ब्लू पोर्शन है ये शो करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड टू द लंग्स, दीज आर लंग्स, एंड देन दिस इज बॉडी सेल्स. बॉडी सेल्स में से जो खून है इधर जा रहा है, ऊपर जाएगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट से लंग्स में से जाएगा. सिमिलरली लंग्स में से ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट में आएगा, हार्ट में से ये डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंच जाएगा. तो क्या हो रहा है, ट्वाइस द ब्लड इज पासिंग थ्रू द हार्ट, हेंस दिस प्रोसेस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. और यूजली अगर देखा है ना, जिनमें तीन चैम्बर्ड हार्ट होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, उनमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाती है, इसीलिए उनमें एफिशिएंसी इतनी ज्यादा नहीं होती एज कंपेयर टू ह्यूमंस, और या फिर जिनमें फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है. तो अगर ये किसी को एक कंफ्यूजन थी कि ह्यूमंस में फोर चैम्बर्ड हार्ट क्यों होता है, सो दिस इज द पर्टिकुलर रीजन व्हाई ह्यूमंस हैव अ फोर चैम्बर्ड हार्ट एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दैट फोर चैम्बर्ड हार्ट.
फाइन. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरी वन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आ जाता है कि डबल सर्कुलेशन क्यों होती. अब हमने जब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू किया था या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन शुरू किया था तो हमने कहा था सबसे उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्लड, फिर उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है हार्ट, फिर उसके बाद ब्लड वेसल्स और लिम्फ भी हो रहा था. अब हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया, हमने हार्ट के बारे में पढ़ लिया, हार्ट में ब्लड डबल सर्कुलेशन होते हैं उसके बारे में पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे कि और कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो इस ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं. जैसे सबसे पहला है ब्लड वेसल्स. सो दीज ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल थ्रू द ह्यूमन बॉडी. जितना भी अगर आप हेड टू टिप देखोगे ना, हमारी हेड टू टो हमारी हर जगह पे क्या है, ब्लड वेसल्स ही ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को कैरी कर रही हैं फ्रॉम टू द हेड टू द बॉटम टू टोज एवरीवेयर टू द फिंगर टिप्स. हर जगह हमारी बॉडी में अगर खून कोई कैरी कर रहा है तो वो कौन कैरी कर रहा है, ये ब्लड वेसल्स कैरी कर. ठीक है. सो ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड ऑल थ्रू द ह्यूमन बॉडी. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. तीन तरीके की ब्लड वेसल्स यूजली होती हैं. पहली है आर्टरीज. आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स. जैसे कि लेफ्ट ऑरिकल में से लेफ्ट वेंट्रिकल से पास होकर अयोटा में से जाता है. अयोटा में से जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक उस ब्लड को पहुंचाता है वो कौन सी हैं, आर्टरीज होती हैं. ठीक है. और ये यूजली थिक वॉल्ड होती हैं. ये अब हमेशा क्वेश्चन आ जाता है कि आर्टरीज थिक वॉल्ड होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं. ऐसे बड़े सारे कन्फ्यूजन हमें कन्फ्यूजन होती है आर्टरीज और वेन्स में. लेकिन हमेशा याद रखो कि ये थिक वॉल्ड होती हैं. क्यों थिक वॉल्ड होती हैं, क्योंकि आर्टरीज से क्या करना होता है, आर्टरीज में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड एट हाई प्रेशर. ठीक है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड एट हाई प्रेशर पास आउट ऑफ दीज वेसल्स. ये वेसल्स क्या करती हैं, इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल्स में से अयोटा से होते हुए बड़े ज़्यादा ही प्रेशर में से इनमें पास होता है, आर्टरीज में से डिफरेंट सेल्स तक जाता है. इसलिए क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक हाई प्रेशर से पास होता है, इसलिए इनकी थिक वॉल्स होनी चाहिए ताकि जब एक ब्लड हाई प्रेशर से इन वॉल्स में से पास हो तो वो इन वॉल्स को रप्चर ना करते, है ना. नहीं तो अगर रप्चर हो जाएंगी तो हमारी क्या हो जाएगी, ब्लड वेसल फट जाएगी या आर्टरीज फट जाएगी और हार्ट स्ट्रोक होने का भी डर हो जाता है. ठीक है. इट क्रिएट्स मेनी प्रॉब्लम्स. अब एक एक्सेप्शन है इन आर्टरीज में से, कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी. एक पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली एंड ओनली वन विच कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स. अगर याद हो कि हार्ट टू लंग्स जो लेफ्ट राइट ऑरिकल्स में से लाइफ राइट वेंट्रिकल से होते हुए जो हार्ट लंग्स में जाना है फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन विद कार्बन डाइऑक्साइड. जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लंग्स में जा रहा है फ्रॉम राइट ऑरिकल्स राइट वेंट्रिकल्स, वो किसके थ्रू होते हुए जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरीज. अगर हम अच्छे से आर्टरीज का फंक्शन देखें तो आर्टरीज का फंक्शन है टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन है जो कि है पल्मोनरी आर्टरी. क्यों, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी टेकन आउट ऑफ द लंग्स एंड ऑक्सीजन टू बी टेकन इन. ओके. वेयर ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड टेक्स प्लेस. ठीक है, लंग्स में क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ऑफ द ब्लड हो रहा है. तो ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में से लंग तक कौन लेके जाता है, पल्मोनरी आर्टरी. इट इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. नहीं तो हर आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है, राइट. उसके बाद है नेक्स्ट हमारे अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो है वेन्स. ठीक है, वेन्स क्या करती हैं, दे कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट एंड आर थिन वॉल्ड. क्योंकि इनमें ब्लड हार्ट ज़्यादा प्रेशर से नहीं जाता है इसलिए क्या होती हैं, ये थिन वॉल्ड होती हैं. इनकी वॉल ज़्यादा थिक नहीं होती हैं, थिन होती हैं और ये हमेशा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और सेल्स टू द हार्ट. लेकिन इनमें भी एक्सेप्शन होती है, पल्मोनरी वेन्स. अब आप देखोगे कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स में से आ रहा है इन द हार्ट, वो कौन लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेन्स लेके आ रही हैं. सो ये एक अकलौती ऐसी वेन है पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट. नहीं तो हर एक वेन क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स टू हार्ट. तो हर एक में एक जिद्दी बच्चा होता है, हर एक घर में एक जिद्दी बच्चा होता है. तो हार्ट्स और आर्टरीज और वेन्स में भी एक कोई ना कोई एक्सेप्शन वैसे ही है. ठीक है, उनके अलावा प्रेजेंट क्या होता है ब्लड वेसल्स को, तीसरी ब्लड वेसल कौन सी होती है, कैपिलरीज होती हैं, सबसे छोटी वाली होती हैं. अगर आप ये देखो तो हमारे जो यहाँ पे होती हैं वो कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज.
तो साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। अब हमारी अगर देखें एल्वोलोई की कॉन्टैक्ट में जो होता है, जहां से एक्चुअली ब्लड एक्सचेंज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है, अगर ये एल्वोलोई है और ये कैपिलरीज, तो वो हमेशा कौन सी होती हैं? कैपिलरीज होती हैं। हमेशा कैपिलरीज में से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है। एंड ये क्या होते हैं? सिंगल सेल वॉल से बने होते हैं। टिप्स में भी कैपिलरीज होती हैं। हमेशा जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, वो कैसे सेग्रीगेट करती हैं? इन कैपिलरीज करती हैं। ठीक है, सो वेन्स अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे वेन्स होती हैं। ठीक है, सो ये सारी आर्टरीज एंड वेन्स बहुत जरूरी होती हैं जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड करती हैं। इनके बिना ब्लड फ्लो ही नहीं कर पाएगा। ये चैनल्स हैं थ्रू विच ब्लड फ्लोज ऑल इन टू द बॉडी। कभी भी ब्लड खुला नहीं फ्लो करता है, इन आर्टरीज या वेन्स में ही फ्लो करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्लूइड एंड द पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज लिम्फ। लिम्फ इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और फ्लूइड पार्ट विच इज डिवॉइड ऑफ आरबीसी। इनमें कोई भी रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी नहीं होता है। दे आर फॉर्म फ्रॉम फ्लूइड विच लीक्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज। ये कैसे फॉर्म होता है? दे आर फॉर्म फ्रॉम द फ्लूइड विच लीक्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में से लीक होता है। ये कब फॉर्म होता है? जब ब्लड कैपिलरीज होती हैं हमारी। अब यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज है, इनमें से जब फ्लूइड कुछ लीक होके टिश्यूज के इंटरसेलुलर स्पेसेस में चला जाता है। अगर जैसे ये देखो, ये टिश्यूज हैं, तो टिश्यूज में कुछ इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं जस्ट लाइक दिस। तो जो ब्लड कैपिलरीज में से यहाँ से जो लीक होके लिक्विड जब इन इंट्रासेलुलर स्पेसेस में चला जाता है, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? दैट फ्लूइड इज नोन एज द लिम्फ। तो ये इंट्रासेलुलर स्पेसेस में जो कलेक्ट हो जाता है टिश्यूज में से, जो ये आरबीसी या ब्लड कैपिलरीज में से फ्लूइड जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस में कलेक्ट हो जाता है, इनको लिम्फ बोलते हैं। एंड फाइनली इंट्रासेलुलर स्पेसेस में से और टिश्यूज में से, टिश्यू के इंट्रासेलुलर स्पेसेस में ये ब्लड होता है, ये कहाँ चला जाता है? लिम्फ वेसल्स में चला जाता है। और इन लिम्फ वेसल में से फाइनली ब्लड फिर वापस ब्लड कैपिलरीज में भी चला जाता है। तो पहले क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज में कुछ में से कुछ टिश्यूज जो फ्लूइड है वो टिश्यूज के जो टिश्यूज की जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस हैं उनमें जाता है, फिर उनमें से वो लिम्फ वेसल्स में स्टोर हो जाता है। एंड फाइनली लिम्फ वेसल में से कभी कभी ब्लड कैपिलरीज में वापस भी चला जाता है। इट गोज बैक इन टू द ब्लड कैपिलरीज ऑल्सो। देन इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में बहुत बहुत इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम ऑल्सो। अगैन लिम्फ फ्लोज थ्रू द टिश्यूज टू हार्ट, असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म। तो इम्यून सिस्टम का पार्ट है, उसको एनकरेज करता है तो वो जर्म्स डिस्ट्रॉय करता है, उसके साथ ही वो असिस्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी मटेरियल टू द हार्ट। ये ट्रांसपोर्टेशन में भी असिस्ट करता है कौन? लिम्फ। तो लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है या वाइट कलर का फ्लूइड है जो जिसमें आरबीसी नहीं है, इसीलिए वो क्या है? कलरलेस है, क्योंकि अगर आरबीसी होती तो वो रेड कलर का होता, क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं है इसीलिए वो कलरलेस है। वो ट्रांसपोर्टेशन में असिस्ट करता है, ऑल्सो इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Fine, so this was all of the transportation system। हमारे human body में transportation system के जितने भी part थे सब कर लिए हैं, चाहे वो blood हो, चाहे heart हो, blood capillaries हो या फिर lymph हो। ठीक है, so we are done with the blood। लेकिन अब ये तो हो गया humans में transportation कैसे होती है, लेकिन plants में transportation कैसे होती है? Plants भी transportation carry करते हैं, और कौन से? अब उनमें heart नहीं होता है, ना उनमें blood vessels होती है, ना blood होता है, लेकिन फिर भी जो फूड या वाटर है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? थ्रू सम स्पेशलाइज्ड टिश्यू जिनको हम वैस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं। लेट्स क्विकली स्टडी अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो फाइनली अब आ गए हैं हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है वो कैसे होता है? अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर पानी नीचे से रूट सक करके सॉइल में से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक किस तरीके से पहुंचाएंगी, और जो फूड जो लीफ में प्रिपेयर हो रहा है वो डिफरेंट बॉडी प्लांट की बॉडी पार्ट्स तक कैसे पहुंचेगा? सो इनके लिए भी कुछ स्पेशलाइज टिश्यूज होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, और इनको हम बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यूज। और प्लांट्स में यूजली दो तरीके के वैस्कुलर टिश्यूज हैं जो हम पढ़ भी चुके हैं, एक तो है जाइलम और एक है फ्लोएम। तो अगर आप ये देख सकते हो, ये है फ्लोएम टिश्यू, ये है जाइलम टिश्यू, ये दोनों ही प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। इनका सेक्शन बनाया हुआ है ये डायग्राम,
शो कर रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं जाइलम. इन दिस जाइलम दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जाइलम एक ऐसा टिश्यू है जो क्या करता है, पानी की ट्रांसपोर्टेशन और मिनरल्स जो इस सॉइल में से रूट्स अब्सॉर्ब करती हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन करता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ये ही टिश्यू है जाइलम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तो जाइलम के पास क्या है, जाइलम इज द टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ वेसल्स एंड ट्रैकीज, जिसमें वेसल्स होती हैं ट्रैकीज होती हैं जो कि पानी को डिफरेंट बॉडी पार्ट प्लांट पार्ट तक पहुंचाती हैं, राइट. इसके अलावा उनमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, दे हैव प्रेजेंट फ्लोएम टिश्यू इज प्रेजेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. ये क्या करता है, फूड को कैरी करता है फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है. सो अगेन दो ही चीजें हैं जो ट्रांसपोर्ट हो रही हैं हमारे प्लांट्स में, इनमें हार्ट नहीं है, ब्लड वेसल्स नहीं है, लेकिन वेस्कुलर टिश्यूज हैं जाइलम और फ्लोएम. जाइलम क्या करता है, पानी और मिनरल्स को रूट्स में से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है, और फ्लोएम क्या करता है, जो खाना बनता है लीव्स को उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है. और जाइलम भी डिफरेंट सेल से बना होता है, जैसे जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम कोलेन्काइमा, डिफरेंट सेल्स का भी हमारा फ्लोएम बना होता है. और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से ट्रांसपोर्टेशन फूड होती है, स्पेशली इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. और इसका एक एमसीक्यू आ सकता है, व्हाट इज द प्रोसेस व्हिच इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड इन प्लांट्स कॉल्ड, इट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, इट अकर्स थ्रू फ्लोएम. सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलोकेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स में फूड ट्रांसफर होता है. अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज में याद करने वाली है ये, अगर ये आप डायग्राम देखो तो, अगर देखोगे जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स हो रही है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रही है, अपवर्ड. लेकिन अगर फूड की डायरेक्शन देखोगे तो फ्लोएम में हो रहा है, फूड फ्लोएम के थ्रू हो रहा है, तो वो नीचे भी हो रहा है और ऊपर भी हो रहा है, टू वे होते हैं. क्यों, क्योंकि लीव्स ने टिप में भी, फ्लावर की टिप में भी फूड पहुंचाना होता है, रूट को भी फूड पहुंचाना होता है, इसीलिए फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट करती है फूड को अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन बोथ में करती है, और जाइलम सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर ट्रांसपोर्ट करता है क्योंकि रूट सबसे नीचे ही प्रेजेंट. Fine. So the transportation of water and minerals by roots is unidirectional, while the transport of food in the phloem is bidirectional, that is upward and downward. Fine. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसपिरेशन. सो ट्रांसपिरेशन भी होती है रूट्स में से, जो सन की लाइट की वजह से. अब हमने ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा में भी पढ़ी थी कि अगर स्टोमेटा खुले हैं और सनलाइट बहुत ज्यादा है तो रूट्स क्या करेंगी, पानी को सक करेंगी फ्रॉम द सॉइल एंड देन इट विल ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द लीव्स और या फिर एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के थ्रू वेपर्स बनके जो पानी है वो बाहर चला जाएगा बिकॉज ऑफ द सन. दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन एंड इट हेल्प्स इन अब्सॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर. अब आप कहोगे ये तो लॉस ऑफ वाटर है, इसका कोई यूज ही नहीं है, लेकिन नहीं, ये क्या करता है अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर में भी, क्योंकि वही तो सक्शन पुल चाहिए. अगर मेरे पास ग्लास है उसमें स्ट्रॉ है, मुझे पानी अंदर लेना है तो मुझे उसको सक करना पड़ेगा ना, तो वही सक्शन पुल क्या है, ट्रांसपिरेशन भी एक ऐसी सक्शन पुल है जो अब्सॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑफ वाटर एंड मिनरल्स विच आर डिजॉल्व्ड इन द रूट्स एंड लीव्स. तो लीव्स तक पहुंचाने के लिए हमें एक सक्शन पुल चाहिए या एक पुल चाहिए जो कौन प्रोवाइड करता है, ट्रांसपिरेशन प्रोवाइड करता है. सो ट्रांसपिरेशन, चाहे उसमें से थोड़ा पानी का लॉस हो जाता है जो कि स्टोमेटा फिर भी प्रिवेंट कर देता है, लेकिन अगर ये ना हो तो मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन या अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होगी. सो ट्रांसपिरेशन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड वी कैन नॉट से इट इज यूजलेस. So with this we have completed one another life process in organisms called circulation or transportation, which is very very important in human beings also and plants also because it helps in transport of various other products and food also. Fine. अब हम देखते हैं कुछ multiple choice question और देखते हैं कि आपने कितनी attentively इस chapter को सुना है, last part को और last part को. तो जितना भी transportation का आखिरी video में, पिछली video में या इस video में हमने किया है, मैंने इसके collab बना के कुछ MCQs design किया है जो हम करेंगे आपके साथ. So let's begin with it. सबसे पहला multiple choice question है, circulatory fluid in humans other than blood. अब मैंने आपको कहा था कि दो फ्लूइड्स होते हैं ह्यूमन ब्लड में, एक तो ह्यूमन जो ट्रांसपोर्टेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो ब्लड हो गया. तो उन्होंने कहा एक्सेप्ट ब्लड कौन सा है. अगर आप याद करो कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन के कंपोनेंट्स थे, ब्लड था, हार्ट था, ब्लड वेसल्स थे और लिम्फ था.
ब्लड तो हो गया एक लिक्विड कंपोनेंट हमने निकाल दिया, हार्ट एक ऑर्गन है तो वो तो फ्लूइड नहीं है, ब्लड वेसल्स भी एक कैपिलरीज हैं या फिर वेसल्स हैं या फिर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें वो जा रहा है, तो वो भी नहीं हो सकती। तो बचा कौन सा? लिम्फ। तो अगर आप याद करो हमने तो कहा था कि लिम्फ एक कलरलेस या फिर हम कहें कलरलेस फ्लूइड है, व्हाइट कलर का या फिर कलरलेस फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है। सो कलरलेस फ्लूइड कौन सा है? लिम्फ है ना, वो प्लेटलेट्स हैं ना वो आरबीसी है। आरबीसी तो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, वो तो सेल्स होते हैं, प्लाज्मा भी नहीं है। तो अदर फ्लूइड प्रेजेंट इन द सर्कुलेटरी फ्लूइड इन ह्यूमन बीइंग इज लिम्फ। नेक्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम इन प्लांट्स इज कॉल्ड, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम इन प्लांट कॉल्ड? मैंने आपको कहा था कि प्रोसेस जिसके थ्रू फ्लोएम में से फूड ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो ट्रांसपिरेशन होती है, तो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर होती है। इवेपोरेशन भी नहीं होती, इवेपोरेशन क्या होती है? कन्वर्जन ऑफ वाटर इंटू वेपर्स। एंड रेस्पिरेशन क्या होती है? जो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हैं। तो ओनली प्रोसेस लेफ्ट इज ट्रांसलोकेशन विच इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। सो वेरी इंपॉर्टेंटली रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली टू आंसर द एमसीक्यूज करेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेन्स दैट ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इनटू द हार्ट इज नोन एज। अब याद रखो हमने कहा था कि वेन्स का एक ही एक एक्सेप्शन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है लंग्स इनटू हार्ट, वो कौन सी है? पल्मोनरी वेन ही है। पल्मोनरी वेन एक इकलौती ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, नहीं तो हर एक वेन क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। लेकिन एक इकलौती ये पल्मोनरी वेन है, एक्सेप्शन है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स टू हार्ट लेके आ रही है इन लेफ्ट ऑरिकल। और अगर पल्मोनरी आर्टरी भी हमने की थी, वो तो क्या कर रही है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नहीं कैरी, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है। यूजली हम इसमें कंफ्यूज करेंगे क्योंकि हमने पढ़ा है कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन हमने ये भी तो पढ़ा था कि ये भी एक एक्सेप्शन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है टू लंग्स फ्रॉम द हार्ट, राइट? सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी। इनका सबका, आर्टरीज और वेन्स का फंक्शन अलग है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी और वेन का फंक्शन अलग है, फाइन? सो दिस व्हाट इज व्हाट यू विल गेट कंफ्यूज इन पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, बट बी वेरी केयरफुल। पल्मोनरी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, व्हाइल द वेन्स, ऑल अदर वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट इज बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन हार्ट इज प्रिवेंटेड बाय व्हाट। अब हमने किया था कि जो हमारे ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स में खुलते हैं और बंद होते हैं, ऑरिकल्स में और वेंट्रिकल्स में से जब ब्लड पास होता है तब बैकफ्लो ब्लड कौन प्रिवेंट करता है? तो ऑब्वियसली अयोटा नहीं है, इसमें से तो ब्लड बाकी पार्ट्स में जाता है। देन थिक वो मस्कुलर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स भी नहीं है, ये क्या कुछ ये थोड़े ना प्रिवेंट करेंगी बैकफ्लो ऑफ ब्लड को। तो कौन है? वॉल्स होते हैं। कौन से दो वॉल्स प्रेजेंट है? बाइस्कपेड वॉल्व एंड डाइस्कपेड वॉल। अब ये भी आपको पूछा जा सकता है कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में कौन से वॉल्स हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल में कौन सा वॉल है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो बाइस्कपेड डाइस्कपेड वॉल यही दो वॉल्स हैं जो रेगुलेट करते हैं कि जो खून है वो वेंट्रिकल्स में से वापस ऑरिकल्स में ना चला जाए, फाइन? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सर्कुलेशन। हमने एक सक्सेसफुली एक और ट्रांसपोर्टेशन के लाइफ प्रोसेस को अच्छे से कर लिया है, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। इसमें से मैक्सिमम एमसीक्यूज आ सकते हैं सर्कुलेशन में, और कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज आ सकते हैं, साउंड पे आ सकता है लब डब, इनकी बायस्केपिड ट्राइस्केपिड वॉल्स में से आ सकता है। अब तो वी आर डन विद दिस सेशन फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक इट। और हम क्या करेंगे, if you have liked it, so please don't forget to press the like button and share the videos more and more, so taki aur bhi log isse fayda le sakein. And also, if you want to get notification about my next video, please don't forget to press the bell icon to get the notification. And one more thing, it's a surprise for all the studious kids ki hum leke aa rahe hain quiz. ठीक है, सो एट द एंड ऑफ एवरी वीडियो और रैंडम वीडियोस के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में एक क्विज का लिंक मिलेगा विच विल बी इन द फॉर्म ऑफ गूगल क्विज, ओके? तो आपको ये क्विज मिलेगा जिसको आपको सॉल्व करना है और उसके उस पर प्राइजेस भी हैं। तो आपको दो फायदे होंगे इससे कि आप अगर क्विज सॉल्व करोगे या तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपको पता चलेगा कि आपको कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर होंगे।
हो चुके हैं। सो ये जो क्विज होगा बेस्ड होगा कि हमने पुरानी कितनी वीडियोस कर ली हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आज की वीडियो में अगर लिंक है तो जितने भी हम यूट्यूब सीरीज अब तक रिकॉर्ड कर चुके हैं इंक्लूडिंग दिस, तो इसके बेस पे वो क्विज बना हुआ है ताकि आपको पता चल सके वेयर डू यू स्टैंड एंड हाउ मच यू हैव यू अंडरस्टूड, ठीक है। सो दिस क्विज विल हैव प्राइजेस और वो प्राइजेस क्या होंगे आपको पता चलेगा बिकॉज इट्स अ सरप्राइज, ओके। सो प्लीज बी रेडी, गो फॉर दिस क्विज, डू इट इन द, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ गूगल फॉर्म एंड होप यू लाइक इट एंड यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम इट, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड होप यू विल ऑल मैक्सिमम पीपल विल पार्टिसिपेट इन दिस क्विज एंड यू लर्न समथिंग न्यू। दिस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर पिक्ड अप फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दीज ऑल यूट्यूब सीरीज। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट यूट्यूब सीरीज इन विच आई विल एक्सप्लेन अबाउट द एक्सक्रीशन और फाइनली हम दिस लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को सक्सेसफुली एंड कर देंगे विद दैट। And I'll be waiting for the comment section for any query or any suggestions. So I'll be meeting you in the next YouTube session. Till then, please be safe and be happy and stay at home. Bye.